नमस्कार, दूरदर्शन शिमला पर डीडी क्विज शो के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। एक बार फिर हमारे साथ हैं कुछ नई टीम्स नए सवालों के साथ। उनसे मिलवाने से पहले एक बार आपको फिर याद दिलाएं कि अब चल रहा है डीडी क्विज शो पर क्वालिफायर्स राउंड, यानी अब तक जितनी भी विनर टीम्स रही हैं उन सभी टीम्स को हम एक साथ यहाँ पर बुला रहे हैं और धीरे धीरे हम पहुँचेंगे सेमीफाइनल और फाइनल राउंड में। और आज हमारे साथ जो तीन टीम्स हैं वो हैं लॉरेट पब्लिक स्कूल शिमला से, केंद्रीय विद्यालय जतोग से और एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। चलिए आपका तारुफ करवाते हैं इन टीम्स के साथ सबसे पहले और चलते हैं टीम ए के पास। टीम ए, आई एम अंकिता ठाकुर फ्रॉम लॉरेट पब्लिक स्कूल भराड़ी शिमला। आई एम यशिका ठाकुर फ्रॉम लॉरेट पब्लिक स्कूल भराड़ी शिमला। टीम बी के पास चलते हैं और जानते हैं कि टीम बी में हमारे साथ कौन है। हेलो, माय नेम इज अनन्या कौशल फ्रॉम क्लास 10th केवी जतोग शिमला। माय नेम इज अभय कुमार कश्यप फ्रॉम क्लास 10th केवी जतोग शिमला। और चलिए अब आपको ले चलते हैं टीम सी के पास। माय नेम इज सत्या सिंह ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिमला। My name is Neeraj Suryavanshi and I am from SD Senior Secondary School Shimla. आप सभी टीम्स का हम स्वागत करते हैं यहाँ पर और ऑडियंस का भी। और साथ ही ये शो हम स्टार्ट करें, हम एक बार फिर दोहराना चाहेंगे इस शो के कुछ रूल्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस शो में हमारे पास होते हैं 4 राउंड्स: करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, जीके और एंटरटेनमेंट। हर एक राउंड में आपसे पूछे जाते हैं कुछ सवाल और हर एक सही जवाब के लिए आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। फर्स्ट 3 राउंड्स में आपके पास होते हैं हर सवाल के लिए 4 ऑप्शंस और राउंड 4 जो कि रहता है एंटरटेनमेंट राउंड और होता है बजर राउंड, उसमें नहीं है कोई भी ऑप्शन आपके लिए और वो राउंड है थोड़ा सा रिस्की एंटरटेनिंग होने के साथ साथ। वजह साफ है कि अगर आप बजर प्रेस करके देते हैं गलत जवाब तो हो जाते हैं टोटल पॉइंट्स में से -50। तो अगर आपको ये शो के तमाम रूल्स एक बार फिर समझ आ गए हो तो क्या हम ये शो स्टार्ट करें? यस मिस मैम। चलिए आगाज करते हैं इस शो का राउंड 1 से, जो है करंट अफेयर्स का राउंड। और हमारा पहला सवाल टीम ए से। टीम ए, यूरोपीय संघ फिल्म समारोह 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए भारत, बी जर्मनी, सी सिंगापुर या फिर डी हांगकांग। सिंगापुर। टीम ए, आप चूक गए हैं, सिंगापुर नहीं है इसका सही जवाब। और पहले ही सवाल में आपने मौका दिया है टीम बी को 50 बोनस पॉइंट्स जीतने का। देखते हैं टीम बी ये बोनस पॉइंट्स जीत पाती है कि नहीं। टीम बी, जर्मनी। आप भी चूक गए टीम बी। और ये सवाल जाता है टीम सी के पास 25 बोनस पॉइंट्स लेकर। इंडिया। श्योर है? यस मैम। 25 बोनस पॉइंट्स आपके टीम सी, वेल डन। इसी के साथ अब चलते हैं अगला सवाल लेकर टीम बी के पास। टीम बी, इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स अगर आप देते हैं सही जवाब। सवाल है, चर्चित ऑपरेशन ऑल आउट किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी नागालैंड या फिर डी केरल। जम्मू कश्मीर। श्योर? श्योर है टीम बी? तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, 100 पॉइंट्स आपके। खैर टीम सी के पास चलते हैं। टीम सी, आपका सवाल है, गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 18 जून, बी 19 जून, सी 20 जून या फिर डी 21 जून। 18 जून। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपके। और अब एक बार फिर चलते हैं टीम ए के पास। टीम ए, आपका सवाल है, प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम को वीरांगना सम्मान
से किस राज्य ने सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी झारखंड। मध्य प्रदेश। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपकी टीम में। एक बार फिर चलते हैं टीम बी के पास 100 पॉइंट्स का सवाल लेकर। टीम बी, आपका सवाल है, इंदिरा 2018 भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ए बेल्जियम, बी श्रीलंका, सी नेपाल या फिर डी रशिया। रशिया। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपके टीम बी। और अब एक बार फिर चलते हैं टीम सी के पास सवाल लेकर। हमारा सवाल है, केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के 100वें स्मार्ट सिटी के लिए किस शहर का चयन किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शिलांग, बी भागलपुर, सी दुमका या फिर डी भिलाई। शिलांग। शिलोंग है सही जवाब। 100 पॉइंट्स आपके टीम से। और इसी के साथ राउंड वन होता है यहीं पर खत्म। क्या है अब तक के स्कोर्स? टीम ए है 100 पॉइंट्स पर, टीम बी ने जीते हैं 200 पॉइंट्स अब तक, और सबसे आगे चल रही है टीम सी 225 पॉइंट्स के साथ। और अब हम आ पहुंचे हैं राउंड टू में, जो है स्पोर्ट्स राउंड। और आप सभी को मालूम है इसमें हम कुछ सवाल पूछते हैं जो जुड़े होते हैं स्पोर्ट्स से। और हमारा इस राउंड का पहला सवाल एज यूजुअल हम पूछेंगे टीम ए से। तो टीम ए रेडी हो जाइए, आपका सवाल आ रहा है 100 पॉइंट्स के लिए। बेबी ओलंपिक्स 2018 किस देश ने आयोजित किए? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जॉर्डन, बी बहरीन, सी सऊदी अरब या फिर डी कतर। हम सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका सही जवाब नहीं है टीम ए। कोई बात नहीं, चलते हैं टीम बी के पास और देखते हैं वहां से क्या हमें सही जवाब मिलता है या नहीं। टीम बी, जॉर्डन। जॉर्डन भी सही जवाब नहीं है टीम बी। और ये सवाल गया टीम सी के पास 25 बोनस पॉइंट्स लेकर। टीम सी, कतर। अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन के लिए किसी टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलता है। इसका सही जवाब है बहरीन। है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टीम बी के पास। सवाल है हमारा, महिला T20 विश्व कप 2018 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, बी इंग्लैंड, सी भारत या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड। इंग्लैंड नहीं है इसका सही जवाब। और ये क्वेश्चन गया टीम बी, टीम सी के पास 50 बोनस पॉइंट्स लेकर। वेस्ट इंडीज। राइट आंसर, आपको मिलते 50 बोनस पॉइंट्स। अब चलते हैं हम टीम सी के पास अगला सवाल लेकर। टीम सी से हमारा सवाल है, सरजू बाला देवी का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बॉक्सिंग, बी क्रिकेट, सी शॉट पुट या फिर डी हॉकी। मैम बॉक्सिंग। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपके। अब चलते हैं टीम ए के पास 100 पॉइंट्स का सवाल लेकर। टीम ए, आपका सवाल है, गोल्फ बॉल किससे बनी होती है? ऑप्शन ए रबर, बी प्लास्टिक, सी लेदर या फिर डी मेटल। प्लास्टिक। अनफॉर्चुनेटली टीम ए, प्लास्टिक की नहीं होती है ये बॉल। चलते हैं टीम बी के पास 50 बोनस पॉइंट्स लेकर के, और जानते हैं क्या है सही जवाब। टीम बी, मेटल। मेटल की भी नहीं होती है गोल्फ की बॉल। टीम बी, आपने भी ये मौका गंवाया। और ये मौका मिलता है टीम सी को 25 बोनस पॉइंट्स के साथ। लेदर।
ये भी सही जवाब नहीं है टीम्स, इसका सही जवाब है रबर। गोल्फ बॉल जो होती है वो रबर की बनी होती है। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं अगला सवाल लेकर टीम बी के पास। 100 पॉइंट्स भी हैं साथ में। टीम बी गौर से सुनिए सवाल और ऑप्शंस भी। किस खेल में सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ? ऑप्शन ए गोल्फ, बी बिलियर्ड, सी क्रिकेट या फिर डी बॉक्सिंग। बॉक्सिंग 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 नहीं है सही जवाब। टीम बी कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, लेकिन यह सवाल जाता है 50 बोनस पॉइंट लेके टीम सी के पास। टीम सी बिलियर्ड्स। राइट आंसर, 50 बोनस पॉइंट्स आपके। खैर टीम सी आपसे इस राउंड का है ये लास्ट क्वेश्चन 100 पॉइंट्स के लिए, और क्वेश्चन है स्टेनले कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी हॉकी या फिर सी गोल्फ या डी चेस। चेस। चूक गए टीम सी यहां पर, चेस नहीं है सही जवाब, और ये क्वेश्चन जाता है 50 बोनस पॉइंट लेकर टीम ए के पास। टीम ए गोल्फ। गोल्फ भी नहीं है इसका सही जवाब टीम ए, और ये सवाल गया टीम बी के पास 25 बोनस पॉइंट्स लेकर। हॉकी। हॉकी है इसका सही जवाब, 25 बोनस पॉइंट्स आपके। और क्विज शो के फिलहाल 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इन 2 राउंड्स के बाद टीम ए है 100 पॉइंट्स पर। टीम बी ने अब तक जीते हैं 225 पॉइंट्स, और टीम सी है सबसे आगे 425 पॉइंट्स के साथ। और धीरे धीरे हम आ पहुंचे हैं राउंड 3 पर, और अब रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड्स बाकी, जीके और एंटरटेनमेंट। है अभी बारी है राउंड 3 की, जो है जीके राउंड। आओ जाने अपना हिमाचल। और इस राउंड में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो हिमाचल से ही रिलेटेड होते हैं, इस राउंड का जो पहला सवाल जा रहा है वो जा रहा है टीम ए के पास। तैयार हो जाइए टीम ए, आपका सवाल है हिमाचल प्रदेश में मौसम को कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 3 या फिर डी 6। मैम 4। 4 नहीं है इसका सही जवाब अनफॉर्चुनेटली। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन चलते हैं टीम बी के पास। टीम बी 50 बोनस पॉइंट्स के लिए ये सवाल आपके पास आता है। 3। श्योर है? राइट आंसर, आपको मिलते हैं 50 बोनस पॉइंट्स। अब चलते हैं टीम बी के पास 100 पॉइंट्स का सवाल लेकर। टीम बी रेडी हो जाइए, सवाल है आपका ढूंगरी जातर हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए चंबा, बी मनाली, सी बिलासपुर या फिर डी सिरमौर। मनाली। श्योर? यस मैम। 100 पॉइंट्स आपके टीम बी, वेल डन। टीम सी से हमारा सवाल 100 पॉइंट्स के लिए। टीम सी प्राचीनतम गणतंत्र के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव, इस गांव में पूज्यमान देव कौन है? ए परशुराम, बी जमलू, सी शिरगुन या फिर डी बिजट। बिजट। ऑप्शन डी बिजट। ये सही जवाब नहीं है टीम सी, आपने मौका दिया 50 बोनस पॉइंट्स जीतने का टीम ए को। टीम ए आपके पास ये सवाल आता है। मैम शिरगुल।
शिरगुल भी नहीं है इसका सही जवाब। और टीम ए, आपने मौका दिया टीम बी को 25 बोनस पॉइंट्स जीतने का। टीम बी, जमलू। राइट आंसर, 25 बोनस पॉइंट्स आपके। अब चलते हैं एक बार फिर टीम ए के ही पास 100 पॉइंट्स का सवाल लेकर। टीम ए, आपका सवाल है, हिमाचल प्रदेश में एम्स बनना कहां प्रस्तावित है? ऑप्शन ए मंडी, बी कुल्लू, सी बिलासपुर या फिर डी हमीरपुर। मैम बिलासपुर। तो 100 पॉइंट्स आपके होते हैं टीम ए, वेल डन। और अब टीम बी से हमारा सवाल, बलराज किस त्योहार के बाद गाया जाता है? ऑप्शन ए होली, बी दीपावली, सी राखी या फिर डी हरियाली तीज। हरियाली तीज। कोशिश की आपने टीम बी, लेकिन ये नहीं है सही जवाब। और ये सवाल जाता है टीम सी के पास। टीम सी, आपके लिए मिलेंगे इस वक्त 50 बोनस पॉइंट्स अगर आप सही जवाब देते हैं तो। होली। ऑप्शन ए होली भी नहीं है इसका सही जवाब। और ये सवाल जाता है टीम ए के पास 25 बोनस पॉइंट्स लेकर। दिवाली। राइट आंसर, 25 बोनस पॉइंट्स आपके। अब चलते हैं टीम सी के पास इस राउंड के लास्ट क्वेश्चन के लिए। टीम सी, आपका सवाल है, धन सिंह थापा किस लिए खास तौर पर जाने जाते हैं? ए पर्वतारोहण, बी समाज सेवा, सी शौर्य या फिर डी खेल। शौर्य। शौर्य है सही जवाब। 100 पॉइंट्स आपके। खैर, इसी के साथ ये राउंड 3 भी होता है खत्म। और क्या है फाइनल स्कोर्स, चलिए बताते हैं आपको। टीम ए है 225 पॉइंट्स पर, टीम बी है 400 पॉइंट्स के साथ, और सबसे आगे है टीम सी 525 पॉइंट्स के साथ। और फाइनली हम आप पहुंचे हैं राउंड 4 में, जो है एंटरटेनमेंट राउंड। खैर, आप सभी को हम ये बता दें कि ये राउंड है बजर राउंड। और एक बार फिर याद दिला दें, ये है बजर राउंड और इस राउंड में नहीं है कोई भी ऑप्शन आपके पास। याद रहे, बजर प्रेस करने के बाद अगर टीम्स आप लोग देते हैं गलत जवाब तो आपके टोटल पॉइंट्स में से हो जाएंगे -50। यानी जितना एंटरटेनिंग ये राउंड है उतना ही रिस्की भी है। खैर, लास्ट राउंड की जीते हुए को और जिता दे और हारते हुए को शायद जीतने की एक उम्मीद दिला दे। खैर, इसी उम्मीद के साथ इस राउंड का हम करते हैं आगाज। और पहला सवाल हम पूछते हैं इन टीम्स के साथ। सभी टीम्स रेडी हो जाइए अपने बजर्स के साथ, राइट? सवाल सुनना है सबने ध्यान से। सवाल है, आईफा बेस्ट एक्टर 2018 का अवार्ड किसे दिया गया है? कोई टीम बजर प्रेस नहीं करना चाहेगी। आईफा बेस्ट एक्टर अवार्ड 2018 दिया गया है इरफान खान को हिंदी मीडियम मूवी के लिए। खैर, इस सवाल का हमें नहीं मिला जवाब, और जाहिर है इस सवाल के लिए किसी भी टीम को कोई पॉइंट नहीं मिला है क्योंकि बजर प्रेस नहीं हुए हैं। अगला सवाल ध्यान से सुनना है आपने। अपकमिंग मूवी धड़क की लीड एक्ट्रेस कौन है? सबसे पहले बजर प्रेस किया है टीम ए ने, तो चलते हैं टीम ए के पास। टीम ए, जानवी कपूर। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपके। टीम ए, अगला सवाल है, राजीव हरिओम भाटिया किस बॉलीवुड एक्टर का रियल नेम है? टीम बी ने बजर प्रेस किया है, देखते हैं क्या है जवाब इनका। अक्षय कुमार। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपके, वेल डन। जो अगला सवाल आ रहा है इस राउंड का वो बेस्ड होगा एक पिक्चर पर। आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा, सवाल उसके बाद आपसे पूछा जाएगा। आपको बताना है कि ये जो इमेज अभी आपको दिखाया गया है
वो इमेज किन की है। टीम टीम सी ने बजर प्रेस किया है, देखते हैं क्या है इनका सही जवाब। सिद्धार्थ रॉय कपूर। ये सही जवाब नहीं है टीम सी, और आपने रिस्क लिया और टोटल पॉइंट्स में से -50 हो चुके हैं। इसका सही जवाब है SS राजमौली। खैर, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल बेस्ड है एक ऑडियो क्लिप पर। आपको बताना है कि इस ऑडियो में जो आवाज है वो किन की है। ऑडियो क्लिप अब आ रहा है, बजर्स के साथ रेडी रहिए। जैसे ही आपको समझ आएगा आप लोग बजर प्रेस कर सकते हैं। आप सब ने ये ऑडियो क्लिप सुना और फिलहाल बजर प्रेस किया है टीम सी ने, तो जानते हैं उनसे इसका सही जवाब। हनी सिंह। राइट आंसर, 100 पॉइंट्स आपके। और देखिए हम आ पहुंचे हैं इस राउंड के लास्ट क्वेश्चन तक, एक आखिरी उम्मीद 100 पॉइंट्स जीतने की। और ये क्वेश्चन बेस्ड होगा एक वीडियो क्लिप पर, सवाल उससे बात पूछा जाएगा। कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा, ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए कैसे हंसते खुश होके, और कैसे कोई सोच दे everything gonna be okay। तो आप सभी ने ये वीडियो क्लिप देखा, सवाल है इस वीडियो क्लिप में नजर आने वाली एक्ट्रेस का क्या नाम। सबसे पहले टीम ए ने बजर प्रेस किया है, तो मौका टीम ए के पास। जेनेलिया। राइट आंसर, जेनेलिया डिसूजा। 100 पॉइंट्स हैं आपके टीम ए, और फाइनल स्कोर्स अब क्या है, बारी है ये जानने की। थर्ड पोजीशन पर है टीम ए लॉरेट पब्लिक स्कूल 425 पॉइंट्स के साथ। और सेकंड पोजीशन पर है टीम बी केंद्रीय विद्यालय जतोग 500 पॉइंट्स के साथ। और जाहिर है आज की है विनर टीम, टीम सी एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 575 पॉइंट्स के साथ। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी लोग यहाँ पर आए, आपने पार्टिसिपेट किया और आज फाइनली हमें मिल गई है सेकेंड सेमीफाइनल की टीम, जो है एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जी हाँ, इस टीम के साथ हम जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। फिलहाल कैसा लगता है आपको हमारा ये शो, आप हमें ज़रूर अपना फीडबैक दे सकते हैं, चाहे तो ईमेल आईडी के जरिए जो है dd.quizshow@gmail.com, या फिर अगर चाहें तो आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी। कैसे देंगे आप बताएंगे आपको। आप ये शो देख सकते हैं दूरदर्शन शिमला पर हर सोमवार शाम 6 बजे, और उसका पुनः प्रसारण हर वीरवार 3:30 पर। अगर आप ये शो मिस कर जाते हैं दूरदर्शन शिमला पर, तो आपके पास एक ऑप्शन बाकी रहता है यूट्यूब का, जहां पर जाकर आप ये शो देख सकते हैं। और आज का एपिसोड देखने के लिए आपको सर्च करना होगा डीडी क्विज शो 26। जी हाँ, 26 है आज का एपिसोड नंबर, और ये शो आप देख सकते हैं कभी भी कहीं भी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमें ज़रूर दीजिए। हालांकि आपके बहुत सारे फीडबैक्स हम तक पहुंच रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और एक बार फिर हाजिर होंगे हम कुछ नई टीम्स नए सवालों के साथ क्वालिफायर राउंड में। तब तक दें इजाज़त, नमस्कार।
आजकल आप देख रहे हैं डीडी क्विज शो का क्वालिफायर्स राउंड, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, जीके और एंटरटेनमेंट टीमें। सवाल है, फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब किसके नाम रहा है? ऑप्शन ए। एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम कहां आयोजित हुए थे? इंडिया। सही जवाब, 100 पॉइंट्स आपके टीम पे। सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होती है? ऑप्शन डी। टाइगर श्रॉफ का रियल नेम क्या है? टीम बी ने बजर प्रेस किया है, तो चलते हैं टीम बी के पास। जय हिंद।